मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आलमी माहरीन कह चुके हैं कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, इसका जोर टूटेगा कब ये भी नहीं कहा जा सकता, इसके लिए वैक्सीन कब आएगी, इसके लिए साल दो साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी पस मंज़र में दुनिया की हुकूमतें फैसला कर रही हैं कि अब लॉकडाउन से किसी हद तक मरहलावार छुटकारा हासिल करना है। पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान में पहले ही नरमी की गई है लॉकडाउन में। दूसरी जानिब ये भी देखने में आया है कि हमारी कौम को लॉकडाउन की वैसे भी कोई कदर नहीं थी, ना ही उस हवाले से एहतियाती तदाबीर हमारी कौम इख्तियार करने के लिए तैयार है। आज हुकूमत ने इस सिलसिले में एक अहम फैसला किया है और कहा है कि कल से डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन यानी कि अंदरूनी मुल्क जहाज़ फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो जज्वी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा और ईद से पहले इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशंस को SOPs के तहत जज्वी तौर पर बहाल किया जाएगा। डोमेस्टिक परवाज़ों के ऑपरेशन को जज्वी बहाली से मुतालिक सिविल एविएशन ने अब तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। फ़्लाइट से पहले जहाज़ को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और हर परवाज़ इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद होगा हर परवाज़ में। एयरपोर्ट्स पर मीट एंड ग्रीट का कोई सिलसिला नहीं होगा। मुसाफरों को लेने आने वाले अफराद को एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में ही इंतज़ार करना होगा। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान ने आज अपने वीडियो में इस SOPs को वाज़ेह तौर पर बयान भी किया। डोमेस्टिक ऑपरेशन हम कल से शुरू कर रहे हैं। PIA अपनी फ़्लाइट्स PIA और सरीन एयर कराची के लिए, लाहौर के लिए, कोयटा के लिए और पेशावर के लिए कल से दोबारा शुरू कर रहे हैं। और प्री कोरोना जितनी हमारी फ़्लाइट्स चलती थी उसके 20% फ़्लाइट्स हम इब्तदाई तौर पे शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमने SOP बनाया है उसमें सोशल डिस्टेंस के लिए 50% सीट ऑक्यूपेंसी होगी। जहाज़ सिर्फ 50% मुसाफरों को लेके जाएगा। जहाज़ में सवार होने से पहले हर मुसाफर की थर्मल गन से टम्परेचर चेक होगा, उसकी स्कैनिंग होगी, उसे सैनिटाइज किया जाएगा, उसे मास्क फ्राहम किया जाएगा। गुलाम सरवर खान साहब ने आपको बताया कि आधी कैपेसिटी पे जहाज़ चलेगा, इसलिए इसके एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए ख्याल यही है कि जो फेयर होगा यानी कि किराया होगा वो मामूल से ज़्यादा होगा। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर मीडिया को ब्रीफ किया पाकिस्तान की कोरोना सूरत हाल के हवाले से। अपने नायबीन से मशवरे के बाद एक बार फिर उन्होंने बड़ी दर्दमंदाला अपील की कि पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का। वैसे भी पाकिस्तान में उस अंदाज का लॉकडाउन शहरी करने के लिए तैयार नहीं है। अब जबकि कारोबार में नरमी की गई है, ज़रूरत इस बात की है कि एक आम पाकिस्तानी को, एक गरीब पाकिस्तानी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए ताकि लोग सफ़र कर सकें, एक शहर से दूसरे शहर में भी सफ़र करने की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इस मामले में बहुत ही दर्दमंदाना अपील करते रहे। आज भी उन्होंने दरख्वास्त की सूबों से कि उनकी इस दरख्वास्त पर अमल किया जाए, ये गरीबों के ट्रांसपोर्ट का मामला है और अब गरीबों को क्यों जाने आने से रोका जाए। पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका क्योंकि एक दो सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। मेरा इसके ऊपर ये है कि देखें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2000 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की। अगर यूरोप जिधर, यूरोप के अंदर एक एक दिन के अंदर 800-800 लोग, अभी भी 500-500 लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दिया है। इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्विज कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको मानना है या नहीं मानना है, लेकिन बहरहाल आवाम की आवाज़ तो यही है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, न्यूयॉर्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है जहाँ पर ड्राइवर्स 28 ड्राइवर जो हैं वो कोरोना से इंतकाल हो चुका है, हलाक हो चुके हैं लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस के, मगर फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म ने यहाँ रिक्वेस्ट भी की तो हुकूमत सिंध न सिर्फ ये कि वो ट्रांसपोर्ट चलाने के मुखालिफ है, वो कभी नहीं ये नहीं कहती कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सिंध में उसने दी ही नहीं है। 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, होगी तो खोली जाएगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या एक बस भी, सरकारी बस जो है वो आपको कराची जैसे शहर में अवेलेबल नहीं है, जो सिंध के ख़जाने में 90% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान के ख़जाने में 60% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर दी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलनी चाहिए, सिंध ने न सिर्फ ये कि उसका बुरा मनाया, उसने उस दरख्वास्त को ना मानने का फ़ैसला किया, बल्कि अपने वज़ीर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वज़ीर आज़म पर एक तरह की चढ़ाई कर दी और इस किस्म का बयान दिया गया कि जो अकल हैरान रह जाती है। कहा गया है कि वज़ीर आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलवाकर मुल्क को क्या वुहान या इटली बनाना चाहते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म आप फैसला नहीं कर पा रहे तो किसी अकलमंद से मशवरा कर लें। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ये जवाब दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर आपको अकल नहीं है तो आप किसी से मशवरा कर लें। यह जवाब था सिंध का, और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ख्याल ये था उवैस शाह का कि हुकूमत सिंध की तर्जुमानी करते हुए वज़ीर आज़म को जवाब दे रहे थे कि मुल्क में लॉकडाउन में नरमी की वजह से इटली ना बन जाए, ये ऐसी लग रहा है कि वज़ीर आज़म से शिकायत की गई और उनसे कहा गया, वज़ीर आज़म से सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मिलकर काम करें और सूबों को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप सूबों की मदद करें। ये वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट वो हुकूमत कर रही है जिसकी 14 साल से हुकूमत है, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं दी है, और इस पे इस हवाले से और फिर इस अंदाज से ये कहना कि आपने कहा कैसे कि ट्रांसपोर्ट खोल दे, यानी कि गोया कि अब यहाँ पे है क्या ट्रांसपोर्ट? जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, करीम है, ऊबर है, सोयल है, एयरलिफ्ट है, ये कंपनीज हैं छोटी जो कि अब पब्लिक को अपने एक निजी शोबा जो है वो ट्रांसपोर्ट फ्राहम करता है। लेकिन वज़ीर आज़म ने अगर आज कहा तो उसका जवाब दिया गया, और ये बात भी खातिर में नहीं लाई गई कि बहरहाल पीटीआई एक सिंध की बड़ी सियासी जमात है, कराची में उसकी बड़ी वाज अक्सरियत से जीती है। वज़ीर आज़म को कराची ने वोट दिया है, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट को कराची ने वोट दिया है, आखिर वो कराची की तर्जुमानी कर सकते हैं। मगर अगर उस मशवरे को, उस दरख्वास्त को नहीं भी माना गया है, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म पे इस तरह की भत्तियाँ कसना यकीनन ये किसी सूरत से भी मुनासिब अमल नहीं था, और ये हालात को यकीनन बिगाड़ने का मूजिब हो सकता है। लेकिन बहरहाल आज का अहम फैसला ये है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इसका आगाज़ किया जा रहा है। इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब खलीलुल्ला शेख जो कि CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है पाकिस्तान इंटरनेशनल के। बहुत बहुत शुक्रिया खलीलुल्ला शेख साहब, ये अब फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, मुश्किल फ़ैसला था एयरलाइन के लिए, ये सिर्फ हुकूमती हिदायत पर किया गया या इसका बिजनेस सेंस भी है या और अवामिल भी थे इसमें? कारफरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। जैसा कि आपने ख़ुद ये फरमाया कि इस वक्त जो है अवामी रबते जो बिल्कुल मुनक़ा हो गए थे शहरों के दरमियान, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयर ट्रैवल सस्पेंड होने की वजह से, उसमें यकीनन आहिस्ता आहिस्ता प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स को जहन में रखते हुए इन्हें बहाल करने की ज़रूरत है। और हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए बड़े अच्छे और स्ट्रिक्ट SOPs बनाए हैं जिनको PIA भी लेटर एंड स्ट्रिक्ट में फॉलो करेगी। शेख साहब, ये जो डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन है ये तो मजमू तौर पर दुनिया के कसीर ममालिक में जारी है ना, ये तो डोमेस्टिक ऑपरेशन तो पूरी दुनिया में लगभग चल ही रहा है, डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन जो है। जी बिल्कुल, लिमिटेड लेवल पे ये पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक में डोमेस्टिक ऑपरेशन बिल्कुल ऑपरेट कर रहा है, और ये बहुत ज़रूरी भी है मुल्क में कनेक्टिविटी को कायम रखने के लिए। और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है जैसे कि उन्होंने आगाज़ किया है हमारे मिनिस्टर साहब ने। शेख साहब, ये फेयर नॉर्मल से ज़्यादा होगा क्योंकि ये आधी फ़्लाइट खाली जाएगी? थोड़ा सा इस पे फेयर पे ज़रूर इम्पेक्ट आएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम भी और मुझे यकीन है कि बाकी एयरलाइंस भी कोशिश करेंगी कि कम से कम बोझ आवाम पे इसका आए,
यकीनन इससे कॉस्ट इंक्रीज होगी, थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसका जरूर आएगा। थैंक यू सो मच खलीलुल्लाह शेख साहब, हमारे साथ मौजूद थे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पाकिस्तान इंटरनेशनल। कमर्शियल ब्रेक, हुकूमत ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर की, ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे रही है, बेरोज़गार गरीबों को कर्ज हंसना देती है, वो अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं और ये गरीब फिर ये कर्ज हंसना वापस भी करते हैं। 35 लाख लोगों तक ये सर्विस फराहम की जा चुकी है, ज़बरदस्त खिदमत है इस पर, इसको आपको दिखाएंगे ज़रूर एक छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। कोरोना की मुसीबत जारी है और ख़ास तौर पर गरीब तरीन तबकात पर, और पाकिस्तान दूसरे बड़े मुल्कों की तरह से उसके पास रियासती सकत इतनी नहीं है कि इन तमाम तबकात की मदद को पहुंच सके या उनकी मदद की जा सके, मगर बहरहाल जो कुछ भी हो सकता है एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, जो बहुत ही काबिल कदर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के गरीबों की मदद की कोशिश की गई है। मगर पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और वो ये कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है वो चैरिटी में बेपनाह खिदमात सर अंजाम देता है। अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चैरिटी करती हैं, गरीबों तक पहुंचती हैं, उनको रोज़गार फराहम करती हैं, उनको सेहत के मौके फराहम करते हैं, उनको तालीम फराहम करती है, उनको राशन फराहम करती है, खुराक फराहम करती है, और इसमें पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। कराची में अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं और बेहतरीन गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देती हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती नज़र आती हैं। इसी किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही गिरा कदर बहुत ही मिसाली काम कर रही है वो लाहौर की उकूवत फाउंडेशन है, जिसने गरीब और नादार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा शुरू किया है। वो बिला सूद कर्जे देते हैं और पिछले 20 साल से ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जो जारी है, और अब दुनिया फाउंडेशन और उकूवत कर्ज हसना नकद रकम अब गरीबों की मुश्किल हल करने के लिए एक मौका फराहम कर रही है, और इसके ज़रिए आप कई ख़ानदानों को मुफलिसी के कर्ब से बचा सकते हैं जो इस उकूवत फाउंडेशन के ज़रिए कंट्रीब्यूट करें। कोरोना के बाईस लाखों गरीब खसूसन यौमिया उजरत पर काम करने वाले अहल खाना को फाकों की हालत से गुजरना पड़ रहा है, अब बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। ऐसे में हुकूमत जैसे मैंने आपको बताया 85 लाख खानदानों में 103 अरब रुपये पहुँचाने का मनसूबा रखती है, मगर उसके बावजूद 30 से 40 लाख कम अज़ कम सफ़ेद पोश अफराद ऐसे होंगे जो हुकूमत के एहसास प्रोग्राम की शराइत पर ही पूरे नहीं उतरते। ऐसी अफराद की मदद के लिए हुकूमत और दुनिया फाउंडेशन मिलकर मुस्तहकीन में इनफरादी और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस के ज़रिए 20,000 रुपये बिलासूद कर्ज़ा फराहम करती है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को अपने रोज़गार पे अपने पाँव पे खड़े होने का मौका मिलता है। इसकी तफसीलात हम आपको दिखाते हैं। अखुवत और दुनिया फाउंडेशन के इश्तराक से सफ़ेद पोश ऐसे अफराद में जो कोरोना से पहले किसी रोज़गार से वाबस्ता थे या अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, उन्हें अपने ख़ानदान की किफालत के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन फराहम कर रहा है। अवाम और साहिब हैसियत अफराद अपनी ज़कात फितरात अखुवत और दुनिया फाउंडेशन के अकाउंट में जमा करा सकते हैं, जो अखुवत फाउंडेशन के 400 शहरों में कायम ऑफिस में काम करने वाले 5,000 स्टाफ के ज़बरदस्त नेटवर्क के तहत मुस्तहकीन को उनके घरों पर पहुँचा दिए जाएंगे। दुनिया फाउंडेशन और अखुवत ने कर्ज़ाए हसना के तस्वुर को एक इदारियाती शक्ल में ढाल दिया है। पीके पे जाकर मुस्तहकीन को कर्ज़ हसन फराहम कीजिए। अखुवत फाउंडेशन पिछले 20 सालों से गरीबों के लिए माइक्रो फाइनेंस की खिदमात सरंजाम दे रही है, और आज तक अखुवत फाउंडेशन के जरिए 35 लाख खानदानों में 110 अरब रुपयों के कर्ज तकसीम हो चुके हैं, और खुशाइन बात यह है कि इनकी रिकवरी का तनासुब 99% है। सार्फीन से कोई इंतजामी अखराजात भी नहीं लिए जाते। वो सार्फीन जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं और कोरोना की वजह से इसे आर्जी तौर पर जारी रखने में नाकाम हैं, वो अपने कारोबार के दोबारा आगाज के बाद हर महीने अपनी इस्तेताद के मुताबिक रकम लौटा सकेंगे। अखुवत फाउंडेशन अपने निज़ाम को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अब धीरे धीरे पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रही है, जिसके जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा की जाती हैं और मुस्तहकीन का डेटा ऑनलाइन मुरतब करके उनकी शनाख्त की जाती है। इसीलिए हमने कहा कि ये बहुत ही गिरा कदर खिदमात है जो सर अंजाम दे रही है अखुवत फाउंडेशन। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, जो के बानी हैं और उन्होंने बुनियाद रखी और आप चेयरमैन हैं अखुवत फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत मसरूफियत है आपकी।
ये फरमाइएगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है जो माशाल्लाह इतने तवील अरसे से चल रहा है। ये बताइएगा कि जैसे कि भी हमने अपने नाज़रीन को भी बताया कि 99% लोग जिन तक आप ये 20,000 रुपये पहुँचाते हैं वो अपना पे बैक भी कर रहे हैं, क्या आप उनको ट्रेन भी करते हैं, उनको आइडियाज़ भी देते हैं कि वो इस रकम से क्या कारोबार कर सकते हैं जिसपे वो अपने पाँव पे खड़े हो पाए, या कि खाली रकम फरहम की जाती है, आइडियाज़ वो खुद लाते हैं? जी कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इस अहम मौजू के ऊपर हमें मौका दिया कुछ कहने का। तो आपके सवाल का जवाब तो यह है कि गुरबत जो है ना वो आइडियाज़ की नहीं है, अफलास जो है वो स्किल्स का नहीं है, सिर्फ सरमाए का है। हमारे लोग जो गली कूचों में हैं ये ज़िंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़ते हैं और इनके पास ना मेहनत की कमी है, ना सलाहियतों की कमी है, ना हुनर की कमी है, सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। इनको कोई पैसे नहीं देता, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से किसी मनी लेंडर से लेते हैं तो बेपनाह सूद की रकम देना पड़ती है। तो हमने कहा कि हम इनको सरमाया देंगे, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इनके पास पहले से मौजूद हैं, और अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो हम पहले उसको किसी मुतल्लिका अदारे से, हुकूमत के अदारे हैं, PVTC है, TEFTA है, बहुत सारे और स्किल इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो वहाँ से हम उनको पहले कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट ले लें। तो यूँ हमने तकरीबन 35 लाख घरानों को पूरे पाकिस्तान में 110 अरब से ज़ायद की रकम कारोबारी मकासद के लिए दी है, जिसमें बहुत सारी रकम हुकूमत पंजाब ने और वहाँ की हुकूमत ने भी दी है। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सिविल सोसाइटी, जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी एक तरफ से इस कर्ज़ हसन फंड में अपना पैसा देते हैं जो हम हमारे पास अमानत है और हम आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी तरह हुकूमत ने भी एक फ़ंड कायम किए हुए हैं कुछ जो हमारे तवस्त से उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनका मैंने आपको तذکرہ किया। और एक अमानत, दयानत और सदाकत की इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस कौम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की हम राय रखते हैं, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये 35 लाख घराने या अफराद कौन हैं जिन्होंने 110 अरब रुपये बग़ैर फिज़िकल कोलेट्रल के लिए, और फिर उन्होंने उससे कारोबार किया, पैसे कमाए, ख़ुद गुरबत से निकले और फिर वो रकम वापस भी कर दी। गोया डॉक्टर साहब, ये तो एक खामोश इनकलाब है जो कि बपा हो रहा है, और ये नवीद है और उम्मीद का सहारा है कि ये एक आम पाकिस्तानी कितना ईमानदार है, कितना मेहनत कश है, कितना वो दयानतदार है कि उसे एहसास है कि उसे रकम दी गई, वो कारोबार भी कर रहा है, उसको वापस भी कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक किरण है। और आप 35 लाख ख़ानदानों की बात कर रहे हैं, 35 लाख लोग इस रविश पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, ये वाकईतन एक खामोश इनकलाब है। हमने अपनी कौम के पोटेंशियल का कभी एहसास और शऊर ही नहीं किया। हमारे नज़र ऊपर जाती है लेकिन निचली सतह का जो पाकिस्तान है, जो असल पाकिस्तान है, ये मेहनत वाला पाकिस्तान है, यह दयानत वाला पाकिस्तान है, और ये मुवाखात का पाकिस्तान है। जब हम इनको पैसे देते हैं कारोबार के लिए, तो कामरान भाई यकीन करें जब ये रकम वापस करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ये कुछ इजाफी रकम देते हैं ताकि वो कर्ज़ हसन का फ़ंड और बढ़े और किसी और के घर में चूल्हा जो बुझा हुआ है वो रोशन हो सके। तो ये एक रेसिप्रोकल इकोनॉमी का एक खूबसूरत मुजारा, दुनिया में ये कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पाकिस्तान आते हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये सच है, क्या वाकई पाकिस्तान के जो मुखय्यर हजरात हैं वो देने की लज्जत से इतने आशना हैं कि इतना बड़ा फ़ंड बना दिया, क्या वाकई हुकूमत भी इसके साथ मुंसलिक है, और क्या वाकई जो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं वो न सिर्फ ये कि खुद गुरबत से निकलते हैं मेहनत की बदौलत, बल्कि 100% रकम वापस भी करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं। ये आपने जैसा कि फरमाया, यकीनन ये कि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, और ये उसी अंदाज का प्रोजेक्ट है जैसे कि बांग्लादेश में पूरी दुनिया में उसकी शनाख्त हुई, ग्रीमन बैंक का, डॉक्टर यूनुस का जो प्रोजेक्ट था उसी कंपेरेबल जी नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ सर, उस कुछ बुनियादी चीज़ें हमारी मुमासलत रखती हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमने इसको इस्लाम के कर्ज़ हसन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पैगाम जो मुवाखात मदीना की सूरत में आया उस पर तामीर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दूसरे प्रोग्रामों का आपने तज़किरा किया, दोज़ आर द एक्सटेंशन ऑफ कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी पे बेस्ड हैं। हम वाखात की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के 50% हैव्स, अगर 50% हैव नाट्स को अपना बना लें और उनको कहें कि ये लो 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये, जाओ कारोबार करो, तो यूँ
ये इस म्यूचुअल जो बॉन्ड ऑफ सॉलिडेरिटी है, इसकी बदौलत भी हम एक खूबसूरत अच्छा मुआशरा तामीर कर सकते हैं। यकीनन डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत ही आपको सलाम पहुँचे। जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी जो इस रमज़ान के आखिरी अशरे में और अपनी जो चैरिटी करना चाहते हैं उनके लिए एक और बहुत ही शानदार ये ज़रिया है, ये क़ुव्वत फाउंडेशन है, जो कि मुस्तहिक लोगों को जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़े होना चाहते हैं, उनको 20,000 रुपये कर्ज़ हसना देते हैं। और अब तक 99% लोग न सिर्फ ये कि कर्ज़ हसना वापस कर रहे हैं बल्कि इजाफी रुकूम भी फराहम करते हैं और वो अपने पाँव पे भी खड़े हो गए हैं, उनको रोज़गार का सहारा मिल गया है। इनक्रेडिबल ये खिदमात सर अंजाम दे रही है हमारी लाहौर में क़ुव्वत फाउंडेशन। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हमारे पाकिस्तानी कोरोना में इस वक्त मसरूफ़ नहीं है, उनकी सबसे बड़ी मसरूफियत है तुर्की की ड्रामा सीरियल अर्तुगरल, पाकिस्तान में तहलका मचा के रखा हुआ है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान में आजकल हर तरफ कोरोना का तो जिक्र है, लेकिन शायद कोरोना से भी ज्यादा तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरल गाजी की शोहरत का डंका बज रहा है। ये ड्रामा हर गुजरने दिन के साथ मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बना रहा है। करोड़ों पाकिस्तानी कोरोना भूल कर अब अर्तुगरल के पेचोखम में गुम हो चुके हैं। पहली रमज़ान से पीटीवी पर इस उर्दू ड्रामे में को जो डब करके नशर किया जा रहा है, 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी के उन हालात पर इसको मबनी ड्रामाई तश्कील दी गई है जो आगे चल के सल्तनत उस्मानिया के क़याम का बाइस बने। इस ड्रामे में इस्लामी तारीख के रक्षंदा बाब की मिसाली और ड्रामाई तश्कील की गई है। ड्रामे में दिखाया गया है कि अर्तुगरल नामी बहादुर मुसलमान सिपहसालार ने किस तरह से मंगोलों और सलीबियों का दिलेरी से मुकाबला किया और अपनी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखा। ये ड्रामा खिलाफत उस्मानिया की इस्लामी तारीख, तहजीब, तमद्दुन और रिवायात पर मबनी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस तारीखी ड्रामे को उर्दू में तर्जुमा करके पाकिस्तान में नशर किया जाए ताकि हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को इस्लामी तारीख का इल्म हो सके। तुर्कों ने एक फिल्म बनाई है, सीरियल बनाया है जिसका नाम है, जिसको रिजरेक्शन उसको कहते हैं, फिल्म का नाम है। हम चाहते हैं उर्दू में डबिंग हो, क्योंकि उन्होंने पहली दफा बताया कि तुर्क कैसे ऊपर गए, तो सल्तनत उस्मानिया का जो पहला उस्मान था उनकी तारीख बताई, तो पता तो चले लोगों को कि क्या थी हमारी तारीख। ये ड्रामा इस कदर मकबूल हुआ कि इसने कामयाबी में तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया है। TRT की रिपोर्ट के मुताबिक अर्तुगरल गाजी की पहली किस्त को तुर्की में 5 साल में 1.20 करोड़ बार देखा गया, जबकि पाकिस्तान में PTV के YouTube चैनल पर पहली किस्त को 1.60 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये अर्तुगरल गाजी है क्या, आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। तारीख के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं, इसके लिए बेहतरीन ड्रामा बनाया और मतलब लोगों की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, नॉलेज भी आ रही है। हम लोग को देखना चाहिए क्योंकि हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं है तारीख के बारे में, तो यंग जो लोग हैं उन लोग को देखना चाहिए, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ भी ऐसे लीडर होने चाहिए ना, और सिर्फ हुक्मरानों को सीखने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम को सीखने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बनने चाहिए, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि कितनी दिलेरी और बहादुरी किसे कहा करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो बड़े बच्चे हैं उनको तो देखना ही चाहिए, जो मदर्स हैं जैसे मैं हूँ, हमें अपने छोटे बच्चों को भी दिखाने चाहिए। तगल गाजी जैसे कुछ ड्रामे हमारे पाकिस्तान में भी बनाए जाएँ तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारे बच्चों को, जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं, उनको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह इल्म हो कि हमारे हीरोज़ ने क्या क्या किया है। जब अर्तुगरल गाजी सीरीज़ की बात करी थी तब लोगों ने पाकिस्तान में ये सीरीज़ देखना भी शुरू नहीं की थी और मुझसे सब पूछते थे कि तुम क्यों पागल हो इस सीरीज़ के पीछे, और मैंने उनको बताया कि मैंने कभी कोई सीरीज़ कम्प्लीट नहीं की, इन्जॉय नहीं की, मैं ऐसे कभी ग्लूड नहीं रही किसी सीरीज़ के साथ, एक भी जगह एक कहीं भी आपको कुछ क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिलता ही नहीं। अर्तुगरल गाजी बताता है कि हर रिश्ता कितना पाकीज़ा, कितना खूबसूरत है, रिश्तों को निभाना कैसे है, बींग अ मुस्लिम आपके फराइज क्या हैं, आपका फेथ कितना स्ट्रांग होना चाहिए और कैसे हालात खुद बहुत अच्छे होते हैं जब आपका ईमान स्ट्रांग हो। पॉपुलैरिटी है अर्तुगरल की, बहुत अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, लेकिन वहीं पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो 100 रुपए लिए जाते हैं PTV के लिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बन सकती हैं और किया भी जा सकता है कि हम इस तरह की प्रोडक्शंस करें। तैयब अर्दगान और वजीर आजम इमरान खान भी दिलदादा हैं। सोशल मीडिया पर ड्रामे के किरदारों की खूब पजीराई हो रही है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया
कामरान खान के साथ। कोई माने या न माने, हर दिन हर गुजरा दिन इस बात के लिए नाकाबिल तर्दीद सबूत पेश करता है कि आम पाकिस्तानियों ने दरअसल लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। ये खुद को धोखा देना या खुद फरेबी होगा कि मुल्क में लॉकडाउन पर मौसर अमल हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हुआ। जैसे तैसे सिर्फ कराची समेत मुल्क के कुछ हिस्सों में कारोबारी लॉकडाउन हुआ। कराची में यकीनन कारोबार दुकानों को जबरी तौर पर बंद किया गया, लेकिन अवामी लॉकडाउन हरगिज़ नहीं हो सका। किसी दिन भी लोग घरों पर ना बैठे, सब्जी मंडियों, गोश्त की दुकानों, करियानिया स्टोर्स में पहले रोज़ से अवामी इज्तिहाम, और लॉकडाउन में नरमी के बाद बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है। ये तो लॉकडाउन में नरमी चंद दिन पहले हुई, सिर्फ पीर से हमने जमेरात तक देखी, लेकिन उससे पहले भी जब मंडियां खुलती थी, सब्जी मंडियां थी, किराने की दुकानें थी, सुपर स्टोर्स थे, ग्रोसरी स्टोर थे, कहाँ लोगों ने लॉकडाउन की पाबंदी की। एक दूसरे से रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग एक दूसरे से बगैर किसी फासले के, बगैर किसी एहतियात से मिले आ रहे हैं। ये पहले दिन से हो रहा है, और ये बड़े शहरों की बात है। छोटे शहरों में, गांव देहात में तो वैसे भी कोई लॉकडाउन नाम की चीज़ नहीं है, मगर इसके बावजूद ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, वरना आवाम ने बद एहतियाती में तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं। दरअसल पाबंदियों पर अमल करना हम पाकिस्तानियों के शायद मिजाज का हिस्सा ही नहीं है, यह अब हमें मानना चाहिए। और जहां बात इबादत और अकायद किया जाए तो पाकिस्तानियों की कसीर तादाद कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सोचने की बात है कि खाने काबा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करबलाए मौला, नजफ़ अशरफ और दीगर मुकद्दस मकामात को कम से कम लोगों के लिए महदूद कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद मुतअद्दिद मसाजिद में ज़ाब्ता इखलाक के बरखिलाफ बाजमात नमाज नमाज जुना तरावी के इस्तेमाल मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। मुल्क भर में जुलूसों पर पाबंदी के अहकाम के बावजूद आज शहादत हज़रत अली करमल्ला वजह के मातवी जुलूस निकाले गए, पूरे मुल्क में निकाले गए और भरपूर अंदाज में निकाले गए। 1 फरवरी से गैर मुल्की उमरा ज़ायरीन के मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिले पर पाबंदी है। पिछले 2 हफ्तों से बहुत महदूद तादाद में सिर्फ मुकामी लोगों को हरमैन शरीफ़ैन में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज जुमा अदा करते हैं। और शहर के मरकज़ की कुछ मस्जिदों के अलावा जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर भरपूर इस्तेमाल होते हैं, तरावी के इस्तेमाल भी हो रहे हैं। और यकीनन इस सिलसिले में जो हुकूमती पाबंदियाँ हैं वो मज़हबी इज्तिमात पर लगता है कि आम पाकिस्तानियों के लिए लागू नहीं होती, या वो इसको उसको पे पाबंदी करते हुए उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मज़हबी शियार का मामला है। में लॉकडाउन में नरमी और 4 दिन के लिए कारोबार खोलने की इजाज़त से पहले भी एक रोज़ भी थोक मंडियों और किराने की दुकानों और सुपर स्टोर में कंधे से कंधा छिलना बंद नहीं हुआ था। और यही बात है जो कि हमारे उलमाए कराम और जो मजहबी हमारे लोग हैं जिनको जो कहते हैं कि इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, वो कहते यही हैं कि जब बाज़ारों में हर तरफ जो है लोगों के रश हैं तो आप मसाजिद में या इमाम बारगाहों में क्यों लोगों को जमा खोने से रोक रहे हैं। जब कहीं पे पाबंदी नहीं हो रही तो सिर्फ मजहबी मकामात पे क्यों पाबंदी हो, ये वो आर्गुमेंट है जो हमारे मजहबी जो लोग हैं जो कि इस्तेमाल करना चाहते हैं मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। पिछले महीने कराची में कई सुपर स्टोर्स को सील किया गया, जबकि पिछले 3 दिनों में कराची, लाहौर, पेशावर में दर्जन भर मार्केटों और सैकड़ों दुकानों को सील किया गया, लेकिन ये सब एक सिम्बॉलिक अमल है। आपने देखा आवाम कहाँ बाज आए, हज़ारों बल्कि अब पिछले 4 दिनों में तो लाखों लोग जो हैं वो घरों से निकल बैठे हैं। अब वो घरों पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, और अब कोई ताकत जो है उनको घरों में मुकैद नहीं कर सकती। ये तस्लीम करना होगा तमाम सूबाई हुकूमतों को भी और मरकजी हुकूमत को भी। ये वो मनाजिर हैं जो हमारे मजहबी लोग हैं वो इस दलाइल के तौर पे पेश करते हैं कि आप देख लें बाज़ारों का हाल, शहरों का हाल, मंडियों का हाल, दुकानों का हाल, तो फिर आप पाबंदियां मसाजिद पे और इमाम बारगोहों पे ही क्यों नाफिज करते हैं। हम एक बार फिर कहेंगे कि अल्लाह का करम है कि इस सूरत हाल के बावजूद कोरोना पाकिस्तान में इस तरह नहीं फैला जिसका कच्चा किया जा रहा था, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम कोरोना को दावत दे रहे थे। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि 14 मई तक 52,000 से ज़ायद केस और 1324 अमवात का खदशा था, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हालात काबू में रहे। हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि 14 मई तक 52,000 हमारी इन्फेक्शन होनी थी और जो अमवात होनी थी वो 1324।
तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो प्रोजेक्शंस थी, और ये दुनिया के से मुआज़ना किया जाता है कि दुनिया में जिस तरह कोरोना बढ़ती गई या जो पीक करती गई उसके मुकाबले में, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम प्रोजेक्शन से नीचे जा रहे हैं, और हमारे अभी भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जगह हैं, हमारे पास वो प्रेशर नहीं पड़ा जो कि हॉस्पिटल्स पे पड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आज ये सवाल भी किया कि क्या लॉकडाउन से वायरस ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कौम से अपील की कि इस साल वैक्सीन नहीं आ सकती, हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। जब लॉकडाउन होता है हम गुर्बत बढ़ाते हैं अपने माशरे, हम गरीबों को और नीचे धकेल देते हैं। सारे मुल्क में इस वक्त जो लोग मुतासर हैं लॉकडाउन से वो 15 करोड़ हैं। ये हम कितनी देर कर सकते हैं? क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? बिजनेस बंद कर सकते हैं इतनी देर तक? हमारी मजबूरी है कि आप खोलें। अगर हम लॉकडाउन भी करते हैं क्या वायरस ख़त्म हो जाएगी? कोरोना वायरस कहीं जाने नहीं लगी, वो तब इलाज आएगा जब एक वैक्सीन निकलेगी। इस साल तक तो कोई वैक्सीन नहीं नजर आ रही। इस साल तो ये हम तय कर लें हमें इस वायरस के साथ रहना है, इसलिए हम जितनी एहतियात करेंगे हम अपने माशरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे। यकीनन ये एक बहुत ही मजबूत दलील है। आलमी माहरीन कह चुके हैं कि अब लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, ना कर्फ्यू से कोरोना का जोर टूटेगा या टूट सकता है, बल्कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। आज पंजाब हुकूमत ने कोरोना के माहौल में पहली बार पहल की है, और आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर खोलने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत अहम फ़ैसला किया है हुकूमत पंजाब ने, और मौजूदा हालात के लिहाज से यकीनन कोई गलत फ़ैसला भी नहीं है। पंजाब में पीर से हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे, और ये बात पहले भी की गई है कि जब बाजार मार्केट बेहंगम मार्केट्स दुकानें खोल दी गई तो प्रॉपर शॉपिंग मॉल्स, कुशादा शॉपिंग मॉल्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टॉप क्लास मैनेजमेंट के तहत चलते हैं, उन्हें क्यों नहीं खोला जा रहा? और ये वो शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ से हुकूमत को टैक्स की आमदनी भी होती है, मंडियों से तो कुछ टैक्स नहीं मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान किया है, और वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पीर से गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर जो पैदावारी उसकी यूनिट्स थे उनको भी खोलने की इजाज़त दे दी है। इस मजबूत सूरत हाल पर एक बार फिर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले में खसूसी बराए सेहत जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। डॉक्टर साहब, पहली बात तो जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पेश करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कौमी सतह पर जब आप लोग नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में बैठते हैं, ये आपके इल्म है ना, हम पाकिस्तानियों ने से अमल ही नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन तो इटसेल्फ कोई नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें स्पेसिफिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, और वो पूरी आबादी को करनी है, मगर हम पाकिस्तानियों ने पहले दिन से उस पर तवज्जो नहीं दी और हमने अमलन उसको मुस्तरद कर दिया, मगर उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि ये हमारे नंबर्स जो हैं ये उस बेएहतियाती को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक लॉकडाउन कामरान साहब उस पर अमल ना करने की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पर बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है और उसका जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, हमारा जो एजुकेशन का लेवल है, हमारा जो गुर्बत का लेवल है, उन तमाम चीज़ों को अगर सामने, और हमारा जो रहन सहन है वो सारा, मतलब उसके अंदर इतने ज़्यादा मसाइल हैं, और हमने समाजी शोबे को इस कदर नज़रअंदाज किया है पिछले कई दहाइयों में, अब हमें ये बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम ने एक SOP बनाया है और 220 मिलियन का मुल्क जो है उस पर अमल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हम तमाम कवानीन को का पूरा इतलाक़ कर पाते हैं? क्या हम सुरख इशारे पे सारे रुकते हैं? क्या हम जो ज़ाब्ते हुकूमत ने मुख्तलिफ दिए हुए हैं उनके ऊपर अमल होता है? तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ फ्रॉम एक्सपर्ट स्टैंड पॉइंट, जो कि आप लोग और आपके साथ इतने माहिरीन जमा होते हैं, क्योंकि बहरहाल ये कहा यही जाता है कि इससे बहुत ज़बरदस्त पैंडमिक फैलेगी, और लोगों ने अगर एहतियात नहीं की तो बहुत ज़बरदस्त तबाही आएगी। यकीनन वो बात सही होगी, लेकिन हम इस खत्ते में देख रहे हैं कि वो सूरत हाल उस तरीके से सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और इंडिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं और बांग्लादेश में मिसाल मौजूद है, तो पाकिस्तान सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, बल्कि स्ट्रिक्ट या मॉडरेट इन्फोर्समेंट, बल्कि लाइट इन्फोर्समेंट भी नहीं हुआ, मगर उसके बावजूद ये नंबर्स जो है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि काबू में है। तो इस पर एक्सपर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन की,
जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और सच्ची बात यह है कि जब भी हम वज़ीरे आज़म साहब, असद उमर साहब, मैं, जब भी हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हम तो बात इसी से शुरू करते हैं जो आप भी फरमा रहे हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हमारा हेल्थ सिस्टम उतना मजबूत नहीं और हमारे टोटल केसेस से कई गुना ज़्यादा तो अमवात हो चुकी हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर, तो जाहिर है कि कोई यहाँ पे ऐसे अवामिल हैं कि जिनकी हमें समझ नहीं और जिसकी बीमारी का फैलाव और उसकी नतीजे में जो अमवात हैं वो हमारे अपने तखमीनों से कम हैं, बावजूद इसके कि हमने जो लॉकडाउन किया वो ज़्यादा मौसर ना हो सका। तो अब अगर अब मैं गनवाने लगूं जो हमें समझ आई तो 5-6 अवामिल तो आप उन पे उंगली रख सकते हैं कि मुमकिन वजूहात उसकी हो सकती हैं, लेकिन यकीनन इसमें हमेशा एक एक्स फैक्टर रहता है बीमारियों के फैलाव में कि जिसकी हमें कोई पता नहीं होता, और फिर बाद में शायद हमें जब रिसर्च इसके ऊपर मज़ीद होगी तो समझ आएगी। ये फरमाइएगा कि हैविंग सेड दिस, कल WHO ने पूरी दुनिया को एक चीज़ तो बताई दी कि ये कोरोना वायरस ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, अभी फ़िलहाल तो इसकी बात भी कोई नहीं कर रहा, इसका जोर भी टूटने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। WHO ने पूरी दुनिया को कहा, और दूसरे भी जो रिलेटेड वायरोलॉजिस्ट हैं, दूसरे जितने एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इसके साथ आपको जीना है। अब ये ना सोचें कि ये इंतज़ार करते हैं कि एक महीने बाद ये ख़त्म हो जाएगा, दो महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, या दो महीने का कर्फ्यू लगा दें उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इसके साथ जीना है। ये बताइएगा कि वैक्सीन वगैरह भी बता दी गई है कि वो भी 1.5-2 साल से पहले नहीं आ सकती। अब बहरहाल इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या उसके लिए कुछ जो मेडिसन्स वगैरह की बात हो रही है, इस पर क्या अपडेट है? क्योंकि पाकिस्तान में खबर आई है कि जो जीलियट की रेमडेसिविर है ये पाकिस्तान में बनेगी, जो कि यहाँ की उनके लोकल एफिलिएट है वो इस पर काम कर रहे हैं। जी मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं एक अपनी ज़रा बात मुकम्मल कर लूँ। आपने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले हफ्ते और महीने जो हैं वो उनके बारे में बड़ी गैर यकीनियत भी है, लिहाजा अभी भी इस बात पे जोर देना ज़रूरी है कि हम अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करें, एक। और दूसरे ये कि जो आप ख़ुद फरमा रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया और WHO भी, कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। अब इस हवाले से अगर हम लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी है उसको भी मद्देनज़र रखें, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम इस साल में तो कोई इम्कान नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या काबू में भी आ जाएगा, तो क्या हम एक साल तक मुतहम्मल हो सकते हैं अपने मुल्क को लॉकडाउन करने के लिए? कोई मुल्क भी नहीं हो सकता। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा यानी अमली इकदामात की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन यकीनन आपने ठीक कहा, इस साल तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा हमें वैक्सीन के बनने का। 5-6 दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त हो रहे हैं, पाकिस्तान उनमें से 1-2 के साथ इन टच भी है। कल वज़ीर आज़म ने एक ख़त पे दस्तखत किए हैं जिसमें के तकरीबन 55 दुनिया के जो माया नाज लोग हैं, लीडर्स हैं, फॉर्मर स्टेट्समैन हैं, नोबल लॉरिएट्स हैं, और उसमें सिर्फ 2 सर्विंग हेड्स ऑफ द स्टेट्स ने उसको साइन किया है, एक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने और एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और वो उन्होंने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कॉल दी है कि वैक्सीन जब भी बने उसकी मसावी तकसीम होनी चाहिए गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान, और उसके अंदर जो एक्विटेबल एक्सेस जिसको हम कहते हैं यानी कि मसावियाना उसकी जो रसाई है उसको यकीनी बनाने के लिए अभी से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। अच्छा, अब मैं रेमडेसिविर के बारे में आपको बता दूं जी, वो यकीनन एक बड़ी ख़बर है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस पे बजा तौर पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे मुल्क की एक कंपनी ने जिलियड जो है मल्टीनेशनल कंपनी उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है और उनको इसके ऊपर उनका इत्तफाक हुआ है कि ये मेडिसिन जो है ये पाकिस्तान में भी बनेगी। इसके लिए एक मखसूस किस्म का वॉलंटरी लाइसेंस इशू किया जाता है, वो हमें इशू हो गया और चंद एक और कंपनी, इन टोटल 6 कंपनीज़ बशमूल
जो ओरिजिनेटर कंपनी है उसकी प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं इस दवाई को प्रोड्यूस करेंगे और ये पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के बाद यहाँ से तकरीबन 127 मुल्कों यकीनन डॉक्टर साहब मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बात। अभी अभी इसकी एफिकेसी वगैरह तो ज़ाहिर है कि जज होना बाकी है, वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस के हम श्योर हो सके कि बाकी कितनी ये इसकी एफिकेसी वगैरह है। और फिर हमें यह भी देखना होगा ना कि नई दवाएँ आती हैं उसकी कीमतें जो हैं वो आम आदमी के काबू से बाहर होती हैं और इसकी प्राइस वगैरह जो है वो तो आप लोगों ने ड्राफ्ट में तय करनी है। इन चीज़ों को भी देख रहे हैं ना हम कि पता चला यहाँ आ भी जाए अभी हमें उसकी एफिकेसी का भी नहीं पता, पता नहीं कितनी महंगी हो फिर। हाँ नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अब तक, हाँ एक बात से मैं आपके बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ये इसको स्टिल हम एक्सपेरिमेंटल ड्रग कह रहे हैं तो ये तजर्बाती दवा है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन ये उस हद तक इसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो है इस हद तक है कि इसको FDA ने इजाज़त दे दी इंसानों में इस्तेमाल के लिए। जापान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी इसको इजाज़त दे दी। अब हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तो हम भी इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर ये हम पे ये प्रोड्यूस भी हो सकेगी। जहाँ तक इसकी एफिकेसी का ताल्लुक है जी, अब तक की जो स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक अमेरिका के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीज़ दाखिल थे क्रिटिकल केयर में, उनके अंदर तकरीबन 30% उनके हस्पताल के जो स्टेज थे उसमें कमी हुई जब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इंडिकेटर है इसकी एफिकेसी को प्रूव करने के लिए। तो अब मेरा ख्याल ये है जी कि 2-2.5 महीने में पाकिस्तान में ये दवाई बनना शुरू हो सकती है और ये यकीनन एक बहुत अहम कदम है इस बीमारी के इलाज मुआलजे के। डॉक्टर साहब अगेन नंबर्स कल और आज और कल और परसों के जो नंबर्स हमारे 24 दिन के आए वो फिर कुछ मॉडरेट आए, उससे पहले जो थे वो हमारे 2000+ थे, कल और परसों जो थे वो हम 1400 की वेसिनिटी के अंदर थे। ये अच्छा खासा बड़ा फ्लक्चुएशन आता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए जी। ये फ्लक्चुएशन की कई वजूहात हैं। हमारे यहाँ जो डिज़ीज़ सर्वेलेंस का जो सिस्टम है ना जी, यानी कि बीमारी के बारे में जो अदाद व शुमार इकट्ठे करने का और उनका तजिया करने का जो सिस्टम है वो इतना मज़बूत नहीं है। और हमने ये COVID-19 के लिए जो डिज़ीज़ सर्वेलेंस का सिस्टम है इसको डेवलप किया है उसी सिस्टम के ऊपर जिसके तहत हम पोलियो प्रोग्राम के हवाले से, पोलियो के हवाले से जो अदाद व शुमार हम इकट्ठे कर रहे थे। तो इट इज़ वर्किंग बट इट इज़ ए प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और उसमें ये होता है, और जो नंबर हैं जी ये तो डायरेक्ट फंक्शन है ना कि आपने टेस्ट कितने किए, जितने टेस्ट किए उनके जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनकी बुनियाद पे फिर आप पॉजिटिविटी आप कैलकुलेट करते हैं और वो फिर जब लोड होते हैं सिस्टम के अंदर तो उसके वो फिर आप उनको शुमार करते हैं। तो कई दफ़ा ये हमने ये देख रहे हैं पिछले चंद हफ्तों से कि जब वीकेंड होता है यानी हफ्ता और इतवार तो इन नंबर टेस्टों में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो आपको एक डिप आती है। फिर जब हफ्ता सोमवार मंगल बुध जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो इनके नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्ज़ा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद कारोबार सनत और रोज़गार का जायज़ा लेते हैं। आज इस सिलसिले में बड़ा कदम हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मजीद शरह सूद में 1% कमी कर दी जिससे पाकिस्तान में शरह सूद 8% हो गई। सिर्फ आज के फैसले से हुकूमत की जेब में 333 अरब रुपये आए, कारोबार और सनत को उनकी लिक्विडिटी बेहतर होगी। और अब सारी निगाहें मरकूज़ हैं कोरोना बजट पे, ख्याल यही है कि ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट है जिसके लिए बड़ी भरपूर तैयारियां हो रही हैं। पूरे मामले पे बात करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आज कारोबार सनत मईशत के हवाले से एक इत्मीनान बरस बख्श खबर आई जब तवक्कुआत के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद में मज़ीद 1% कमी कर दी जो खुद हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही उम्दा खबर है। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऐलान के बाद बुनियादी शरह सूद अब पाकिस्तान में 8% हो गई है। स्टेट बैंक ने 2 माह के दौरान शरह सूद में मजमू तौर पर अब तक 5.25% कमी की गई है जो यकीनन एक बहुत बड़ी कमी है। अगर आप 2 महीने के स्प्रेड में देखें तो 5.25% कमी हो चुकी है, 13.25% से अब 8% शरह सूद हो चुकी है।
शहर सूद में कभी से कारोबार और सनत की जान में जान आएगी और अब पैसा न सिर्फ ये कि बैंकों से निकलकर कारोबार में, रियल इकोनॉमी में, कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी में, इक्विटी मार्केट में लगेगा, बल्कि ये कि शरह सूद कम होने से हौसला अफजाई होगी और जैसे जैसे हालात में बेहतरी आएगी लोग कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज ले सकेंगे, क्योंकि ये शरह सूद अब मैनेजेबल हद तक सामने आ रही है और इसके साथ ही कारोबार को लिक्विडिटी भी मिलेगी। सस्ते कर्जे मिलने से कोरोना से बदहाल कारखानों और सनतों के आंसू भी पुछ सकेंगे, जबकि सूद की अदायगी में हुकूमत को भी अरबों रुपयों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर हम आपको बता दें कि 1% शरह सूद कम होने से हुकूमत की जेब में 330 अरब रुपये आते हैं, क्योंकि अब वो 1% शरह सूद कम हो गई तो उसे सूद की अदायगी में कम अज़ कम 330 अरब रुपये की सिर्फ आज बचत हुई है। कुल मिला के अब तक पाकिस्तान की हुकूमत को पिछले दो महीने के दौरान 5.25% शरह सूद कम होने से तकरीबन 1700 अरब रुपये उसके पास हाथ में आ चुके हैं और यकीनन इससे 1750 अरब रुपये जो हुकूमत के पास आए हैं वो उसको तरक्याती कामों के लिए और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 8% शरह सूद यकीनन 19 महीने में सबसे कम इस वक्त शरह है, मगर इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें ख्याल ये किया जा रहा है कि ये अब भी पाकिस्तान की जो खित्ते में इस वक्त शरह सूद है उसके उस मुकाबले में पाकिस्तान की इस वक्त भी शरह सूद ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल फैक्टर नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30% कमी, वो महंगाई की कमी में रिफ्लेक्ट होगी और उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि मजीद इस माहौल बनेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में मजीद कमी कर सके, क्योंकि इस वक्त भारत में शरह सूद 4.4% है, बांग्लादेश में 6%, चीन में 3.85%, मलेशिया में 2%, सऊदी अरब और यूएई वगैरह में 1.5% शरह सूद है और पाकिस्तान में अब भी 8% शरह सूद खित्ते के ममालिक से 2 से 4 गुना ज़्यादा है। मगर आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने बयान में कहा कि मकामी तौर पर तेल मसनूआत सस्ती होने से महंगाई में कमी आ रही है, आइंदा माली साल महंगाई की शरह में 7% तक कमी आ सकती है और यही वजह है कि ख्याल ये किया जा रहा है कि आइंदा भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास होंगे और जब पाकिस्तान में महंगाई में कमी होगी तो शरह सूद में मजीद कमी हो सकती है। मजमू तौर पर कौम के लिए, कारोबार के लिए, सनत के लिए और रोज़गार के लिए एक अच्छा माहौल बन रहा है। रमज़ान के अख्ताम है, अभी फ़िलहाल जाहिर है कि साकित है कारोबार और मीशत का माहौल, उसके बाद ईद है और फिर पाकिस्तान में बजट आना है, जून के पहले हफ्ते में ऐलान हो गया है और हर तरह से इस प्रोग्राम में आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना जनाब मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख, चेयरमैन FBR, दूसरे हुकाम जो हैं वो पाकिस्तान के इस पे चीदा चीदा आ चुके हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक बिज़नेस फ्रेंडली बजट बनाने के लिए जा रही है, कोरोना बजट बनाने के लिए जा रही है, क्योंकि बिज़नेस को, इकानमी को, कारोबार को यकीनन बहुत बड़ी सपोर्ट होगी और अब तमाम निगाहें उस तरफ भी मरकूज़ है। गोया कि अगले 2 हफ्तों के बाद यकीनन अल्लाह खैर करे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में रहे तो यकीनन एक हम बहुत बड़ी एक्टिविटी दे सकते हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तमाम माहौल पे बात करने के लिए हमने बहुत ही उम्दा एक पैनल तश्कील दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसान मलिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चीदा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमें ज्वाइन करेंगे इकॉनमी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अमजद, जो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में माशियात के प्रोफेसर हैं। जनाब मोहम्मद सुहेल हमें बताएंगे मार्केट का परसेप्शन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप लाइन सिक्योरिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मलिक साहब। सबसे पहले आप, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की ख्वाहिश थी कि आज शरह सूद में कमी, जो पॉलिसी रेट है वो कम अज़ कम 2% कम हो, आज 1% सेंट्रल बैंक ने ये फैसला किया है कि कम किया जा रहा है, आपकी ख्वाहिश तो नहीं हुई मगर 1% भी है और पिछले 2 महीने में अब 5.25% हो चुकी है, क्या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का रिएक्शन है आज की डेवलपमेंट? मैं ये कहूँगा, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दुनिया के मारूफ तरीन सेंट्रल बैंक्स में शुमार किया जाता है और बरक्स बीगर सेंट्रल बैंक्स के इसका एक डेवलपमेंट फाइनेंस रोल भी है और उस रोल के अंदर डॉक्टर रजा बाकर के आने के बाद उनकी सरबराही के अंदर इन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि एक इस वक्त मैं यू नो ऑनेस्टली कह सकता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली इदारा है, तो पहले तो शाबाश देनी चाहिए। और ये जो 1% इन्होंने कमी भी लेकर आए हैं ये सही समय पर जा रही है और हम बहुत खुश हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री में, इस वक्त 350
जो लिस्टेड कंपनीज है उन्होंने अपने रिजल्ट्स मार्च क्वार्टर के अनाउंस किए, इनके मजमूई जो मुनाफा था वो 24% में कमी आई और बेशतर जो सेक्टर थे उन्होंने लॉसेस कराए। और ये जो मार्च क्वार्टर है इसमें सिर्फ एक हफ्ता था जिसकी वजह से ये कोविड की वजह से इदारे बंद थे। अब जो नया क्वार्टर आ रहा है कई इदारे जो हैं, हमने एक ऑफटेक सर्वे भी किया है, वो 100% अप्रैल में तो उनका कोई ऑफटेक हुआ नहीं है। उम्मीद है कि मई में कुछ होगा, जून में कुछ होगा, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट जो है वो हाई था और मेरी नज़र में, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की नज़र में अब भी हाई है। और मैं समझता हूँ कि कुछ जो रेफरेंस पॉइंट्स लिए जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। एक रेफरेंस पॉइंट जिसका बार बार जिक्र आता है वो इन्फ्लेशन का आता है। अप्रैल के अंदर इन्फ्लेशन थी 8.5%, लेकिन उसको ज़रा गौर से देखें तो उसमें तकरीबन 4% जो है वो फूड की सप्लाई से रिलेटेड इन्फ्लेशन है। अगर उसको निकाल दें तो 4.5% या 5% रह जाती है इन्फ्लेशन। तो उसके बरक्स 8% मेरा ख्याल है हाई है अभी भी रेट, और इसको लाने की ज़रूरत है क्योंकि एक जो स्टेप जो सब इंडस्ट्री सब बॉरोवर्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है वो है जनरल बॉरोइंग रेट। ठीक है कंसेशनल फंडिंग वगैरह आप करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबकी जो बॉरोइंग कॉस्ट को लाने के लिए जो जो बहुत ज़रूरी कदम होगा वो होगा पॉलिसी रेट का मजीद कम करना। और ये एक अच्छी बात है कि प्रोफेसर राशिद अमजद साहब आप बताइएगा कि आप ज़ाहिर है कि बहुत ही माहिराना अंदाज से देख सकते हैं, अगर सेंट्रल बैंक ने आज 1% इंटरेस्ट रेट कम किया है, पॉलिसी रेट कम किया है, तो हम ये अस्यूम करेंगे कि उनके पास इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी। क्या आप एग्री करेंगे कि इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी, नामुमकिन था सेंट्रल बैंक के लिए कि आज 2% या 1.5% कम करता, शरह सूद 1% ना करता? मेरे ख्याल में जो मीटिंग हुई है एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इसमें हर पहलू को काफ़ी क्लोजली स्टडी किया गया और ज़्यादातर ये जो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ है ये मेरे ख्याल में मेन फैक्टर जो था वो जो उनकी प्रोजेक्शंस थी कि इंटरेस्ट के इन्फ्लेशन 9% तक पहुंच जाएगी और उससे भी कम होगी और अगले साल 7% तक और कम हो जाएगी। और जो चीज़ें थी जैसे कि आपने भी कहीं और मलिक साहब ने भी कहीं, मेरा अपना ख्याल ये था कि क्योंकि मार्केट तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि 1% होगा, लेकिन मेरी अपनी राय ये थी कि ये बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं एंड इफ आई वाज द स्टेट बैंक एंड द गवर्नर मैं थोड़ा सा मार्केट को ये सरप्राइज करके देता कि 1% नहीं 1.5% कर लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कम हो। स्पेस थी, स्पेस थी सेंट्रल बैंक के पास प्रोफेसर? मेरा अपना ख्याल ये है कि 1 और 1.5 में उनके पास जरूर स्पेस थी क्योंकि इन्फ्लेशन टेपर ऑफ कर रही है और जो सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं कि जो वजह है 1% डिक्लाइन की वो 1.5% डिक्लाइन को भी अप्लाई करती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात ज़रूरी देखें कि हमारा मुल्क बहुत कम मुल्कों में से है जिन्होंने पिछले 3 महीने में 525 बेसिक पॉइंट का कमी की है। और जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त बजट बन रहा है तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को एक दूसरे से रीइन्फोर्स करना है और ये स्टेप जो मॉनेटरी पॉलिसी ने लिया है जैसे कि आपने कहा कि डेट रीपेमेंट कम होगी उससे कुछ प्रेशर फिस्कल डिफिसिट का कम होगा और गवर्नमेंट को जो पैसे रिलीफ वर्क पे ला जाना चाहती है उसमें भी कुछ उसको और जगह चले मोर और लेस मोर और लेस आप सेटिस्फाइड हैं। ये 1% आप कह रहे हैं 1.5% भी हो सकता था। मोहम्मद सुहेल साहब आप बताइएगा कि जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है वो तो मोर और लेस वो कहती थी कि 1% ही होना होगा और 1% ही होना चाहिए, उनकी तमाम कैलकुलेशंस ये कह रही थी, तो उस लिहाज से तो ऑन द डॉट है सेंट्रल बैंक के जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1% होगा, इसका मतलब है आप लोग समझते हैं कि 1% से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो मुख्तलिफ सर्वेस थे कि उसमें 65-70% का ख्याल
यही था कि जो इन्फ्लेशन है वो 7 से 9 की रेंज थी, किसी का 8 था, किसी का 8.5 था, मगर लोगों ने अपनी कैलकुलेशन में देख लिया था कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है, हो सकता है कि वो 8 से नीचे आ जाए या 7.5 आ जाए। इसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एस्टिमेशन यही थी कि 1% कम होगा। जहाँ तक सवाल है कि गुंजाइश थी कि नहीं थी, मेरे ख्याल में गुंजाइश तो करने को तो ज़ीरो भी हो सकता है, मगर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, ये पाकिस्तान अमरीका भी नहीं है या दूसरे ममालिक नहीं है कि जहाँ पे वो प्रिंट पैसे प्रिंट कर ले। और दूसरी जानब पाकिस्तान के जो डॉलर की सिचुएशन है, रिज़र्व की सिचुएशन है, वो भी बहुत ही कमज़ोर है, और अभी G20 से जो रीस्केड्यूलिंग होनी है उसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो मेरे ख्याल में सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन दोनों फैक्टर्स को भी देखा होगा कि जो अनसर्टेनिटी है डॉलर के हवाले से और डेट के हवाले से, और जो अनसर्टेनिटी है कि IMF क्या पाकिस्तान को कितनी स्पेस अलाउ करेगा, क्या प्रिंटिंग ऑफ मनी जो दूसरे ममालिक के करने देगा कि नहीं, तो इस तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में ये एक रीजनेबल डिसीजन क्या है। ठीक है, एहसान मलिक साहब ये बताइएगा कि एक तरफ 2% नहीं हुआ, 1% हो गया, मगर जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ ओपनिंग अप हो, वो आप देख रहे हैं और आपका पूरा बिजनेस काउंसिल देख रहा होगा कि आज गवर्नमेंट ने ऑटो सेक्टर भी अलाउ कर दिया है, लार्जली इंडस्ट्रीज जो हैं वो खुल रही हैं, कुछ बाकायदा खुल रही हैं, कुछ बाकायदा नहीं भी खुल रही, मगर काम हो रहा है वहाँ पर। तो ये जो नई ओपनिंग हो रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं, और आप बिजनेस काउंसिल कैसे देखता है जो जो प्राइम मिनिस्टर की और हुकूमत की ये पॉलिसी है कि थोड़ा ओपन करें, रिलैक्स करें इस लॉकडाउन को, क्योंकि WHO भी कह रहा है और पूरी दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं कि अब हमें वी हैव टू लर्न टू लिव विद दैट। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पाकिस्तानी जो कि असल में मैटर करते हैं वो तो इसको वैसे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग ऑफ बिजनेसिस को पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कैसे देखता है, इसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन हैं? जी हमारा ख्याल ये है कि सिलेक्टिवली जहाँ पे के SOPs फॉलो की जा सकती हैं, जो कि खासतौर पे जो हमारे मेंबरान हैं वो बड़े बड़े इदारे हैं, उनके बड़े बड़े कारखाने हैं, तो वो तो SOPs यकीनन बहुत आसानी से फॉलो कर लेंगे। और जो खुले भी हैं, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड थे, जो तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले खुले, तो उन्होंने SOPs को बहुत डिटेल में फॉलो किया है। तो मुझे उम्मीद है कि और यकीन भी है कि जो बड़े कारखाने हैं वो तो बहुत आसानी से इसको कंप्लाई कर लेंगे SOPs को। मीडियम साइज और स्मॉलर हैं वहाँ पे आई थिंक कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी और वो इंस्पेक्शन वगैरह को रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक पॉजिटिव ये कदम है। तो ये बताइएगा कि ये तो सप्लाई साइड हुकूमत रिस्टोर करी है, डिमांड साइड पर आपकी क्या प्रोजेक्शन है, तलब कितनी होगी इस माल की अब? जी यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि देखिए बैरून मुल्क जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो तो चंद महीने जो है नेगेटिवली इम्पेक्टेड रहेगी। कई जो रिटेल चेन्स थी वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही हैं, चैप्टर 11 वगैरह डिक्लेयर कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा एसेट है वो है 220 मिलियन की डोमेस्टिक मार्केट। तो हमको अब आम आदमी के लिए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिमांड पैदा करने की ज़रूरत है, और सिलेक्टिवली ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि उनकी रोज़मर्रा की अशिया जो वो इस्तेमाल करते हैं उनमें प्राइस की कमी लाई जाए और उसमें सिलेक्टिवली सेल्स टैक्स को कम किया जाए। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि खाने पीने की अशिया, दूध, कपड़े और जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स है, हुकूमत का कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी है, तो सीमेंट, स्टील वगैरह, इस पर जो जनरल सेल्स टैक्स है इसको मेरी नज़र में ज़ीरो रेट कर देना चाहिए, और जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, जो मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं, इस पर 5% कर देना चाहिए। तो अगर ये कर दें तो, और इसके साथ साथ अगर वो लोग जो कि 1.5 लाख रुपये महीने तक कमाते हैं उनकी इनकम टैक्स में भी कुछ कमी कर दी जाए, तो दोनों तरफ से डिमांड पैदा की जा सकती है, और 200 मिलियन जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। तो जब तक इंटरनेशनल मार्केट पिकअप नहीं करती तो मेरा ख्याल ये है कि डोमेस्टिक मार्केट चला सकती है हमारी इकोनॉमी को। तो प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अमजद साहब, पूरी दुनिया जो है इनवर्ड लुकिंग हो गई है, अब ये ग्लोबलाइजेशन एक बार फिर फारिग होती नज़र आ रही है, इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की लोग बात कर रहे हैं, एहसान मलिक साहब कह रहे हैं कि हमें अब खोलना होगा, आगे बजट आ रहा है, हमें जो है वो इंसेंटिवाइज करना होगा कि लोग यहाँ पे कारखाना लगाएं, लोग यहाँ की चीज़ें खरीदें, यहाँ पे अच्छी से अच्छी चीज़ें बने ताकि इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट भी हो सके। तो ये जो सामने वाला अब जो आने वाला बजट है,
इस पे ये कितना फोकस रह सकता है कि हम कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे, लेकिन बाज लोगों का ख्याल ये है कि अगर हम रिलैक्सेशंस दें तो वॉल्यूम पे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपकी क्या राय होगी, क्या तजवीज़ होगी कोरोना बजट के लिए? कामरान साहब, ये बात याद रखें कि जो बजट बन रहा है वो IMF प्रोग्राम के अंदर बन रहा है। तो ये जो चीज़ें लोग कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स 5% कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये सब रेवेन्यू रिड्यूसिंग मेजर्स हैं। जो टारगेट फिक्स किया गया है इस साल के लिए, जो हफीज शेख साहब ने भी कहा है कि बड़ा मुश्किल है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फ्यू थिंग्स, 5.1 ट्रिलियन का है टारगेट, इस दफा 3.9 ट्रिलियन। मगर प्रोफेसर साहब, अभी IMF से बात होनी है, अभी ये तो एक इसमें अभी तक हमारी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड बात अभी IMF से हुई नहीं है, ये मरहला अभी बाकी है, एंड ऑब्वियसली वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि किस किस्म की सूरत। रेवेन्यू पे आप बहुत कम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, और इस वक्त जो इंपोर्ट ड्यूटीज की भी लोग बात कर रहे हैं वो भी ज्यादातर रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा के आप अपनी इकोनॉमी को किधर और इनएफिशिएंट ना कर दें, रॉ मटेरियल्स पे कम करें जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट तो कहेंगे कि जी बहुत और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, ये जो इनकी इफेक्टिवनेस और रियल एफिशिएंसी है उसमें तो कोई इंप्रूवमेंट आए ना, इनको और प्रोटेक्शन दे दें। कितनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम लोग? तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आप अपनी ड्यूटी स्ट्रक्चर ग्रेजुअली चेंज करें, लेकिन इस प्रेशर में ना आ जाएं क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे, इसलिए ठीक है डोमेस्टिक मार्केट है और हमारे प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स इनके काफ़ी हाई हैं अभी और ये मेंटेन करेंगे। इसलिए मैं अपना समझता हूं कि जो रेवेन्यू साइड है उस पर उतना ही जोर कितनी अच्छा मोहम्मद साहब, आपके ये पल्स पे हाथ होता है, ये सारा जो लिस्टेड सेक्टर है, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये इसके पहले क्वार्टर के, अभी इस क्वार्टर के, कोरोना क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, यकीनन वो बहुत ही डिप्रेसिंग रिजल्ट्स हैं, ये किस किस्म की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, और आप क्योंकि पूरे इस कॉर्पोरेट सेक्टर को देख रहे हैं, इसकी बजट्स के लिहाज से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि रियलिस्टिकली गवर्नमेंट को पूरी करनी होगी? और हम मुसलसल ये सुन रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट खुद समझती है कि इस वक्त नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है, हमें बहुत ही एक फ्लेक्सिबल किस्म की सिचुएशन जो है वो देनी है और टैक्सेशन को बहुत ही रिलैक्स रखना। देखिए, स्टेट बैंक ने आज अपने गवर्नर साहब ने ये कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि IMF से ताल्लुकात हुकूमत पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं और जो EFF प्रोग्राम है उसकी बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल में देखिए, विश लिस्ट तो हमारी बहुत हो सकती है कि रेवेन्यू भी कम हो, सेल्स टैक्स भी कम हो, मगर IMF को साथ लेकर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे पर्सनल ख्याल है कि जो दुनिया में सिचुएशन है, जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, IMF काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होगा एटलीस्ट इस साल में, और आई थिंक उसको शायद कोई एतराज नहीं होगा कि बजट डेफिसिट दोबारा 9-10% हो जाए। हाउएवर, जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने बताया कि देखें, रेवेन्यू हमें कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, तो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस बजट में रिलैक्सेशन के साथ साथ वो एरियाज जो टैक्स नहीं होते, जहाँ पे टैक्स कम है, टोबैको है, सिगरेट्स है, जहाँ पे 50-100 अरब का टैक्स चोरी होता है, लग्जरीज आइटम है जिसपे टैक्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी करनी होगी कि जो जहाँ से डिमांड ग्रोथ हो वहाँ पे टैक्सेशन को कम करना पड़ेगा, और जो टैक्स कम दे रहे हैं और जहाँ पे स्मगलिंग हो रही है वहाँ पे टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंसी लानी होगी। और सबसे बढ़कर एक पॉइंट है जो पाकिस्तान में बहुत कम डिस्कस होता है, हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। करंट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान के रेवेन्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सीरियसली इस बजट में उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, वरना ये 10% का बजट डेफिसिट 2 साल तो चल सकता है, 3-4 साल अगर चला तो फिर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा और उसका करेंसी पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो एहसान मलिक साहब, आप बताइएगा कि ऑब्वियसली इंडस्ट्री की अपनी डिमांड है, बिजनेस की अपनी डिमांड है, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज बहरहाल जमा करने हैं, IMF और नो IMF हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलैक्स सिचुएशन होगी, तो ये कैसे कॉम्पनसेट करे कि जो आप लोगों की डिमांड है, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर मांग रहा है, जो इंडस्ट्री मांग रही है, गवर्नमेंट उसको भी दे और फिर अपने रेवेन्यूज को भी संभाले, जो आपका फॉर्मूला है, क्या पॉसिबल है उसमें ये सब कुछ करना?
जी मेरा ख्याल है, मैं प्रोफेसर साहब से मतलब डिफर करता हूँ इस पे कि IMF से बात नहीं की जा सकती। IMF बहुत अकोमोडेटिव है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं और यहाँ पे अनयूजुअल हमें मूव्स करने पड़ेंगे। हमको टाइम आउट चाहिए फ्रॉम द IMF प्रोग्राम। मेरा ख्याल ये है कि हमें 6 महीने कम से कम और मेरा ख्याल 6 महीने से ज़्यादा हमको टाइम चाहिए होगा IMF से। जी जी फरमाइए प्रोफेसर साहब, आप फरमाइएगा। आपने सुन ली जो क्रक्स थी बात की मलिक साहब की कि हमें बहरहाल IMF को भी मनाना है और हम रिजिडली अब उन फॉर्मूलेस पे नहीं या उस अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं कर सकते जो हमारी बिगिनिंग में IMF के साथ थी। अब ये तो बिल्कुल पोस्ट कोविड सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल, बड़ी अनसर्टेनिटी है, वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन है, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बोल्ड स्टेप्स लेते हुए ऐसे कदम ना ले लें कि हम बिल्कुल ही फिस्कल डिफिसिट को 12-14% पे ले जाएं, रेवेन्यूज कम कर दें और ये फिस्कल डिफिसिट फिर वापस हमारे पे पड़ेगा। तो इसलिए जो कदम लेना है, ठीक है 2 महीने 1 महीना सेटबैक हुआ है, इसका ये मतलब नहीं, अब दुआ करें कि और सेटबैक ना हो, लेकिन अगर और होगा तो मैंने शुरू से कहा, पिछली दफा भी यही कहा था कि एक फ्लेक्सिबल बजट रखें, एक रोलिंग बजट रखें, अगर हालात बेहतर होते हैं तो उसके मुताबिक आप इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश। ठीक है सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ये जो निसिटीज हैं, सेंसिटिविटीज हैं डेफिसिट वगैरह की, दुनिया के तमाम मुल्कों को प्रेशर का सामना है, क्या लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं? क्योंकि तासुर यही है कि लोग बोलते हैं कि इसको फिर हम देख लेंगे, फिलहाल तो मूव फॉरवर्ड, इकोनॉमी को चलाओ, बिजनेस को चलाओ और ये जो बैंकरप्सीज हो रही हैं, जो सिंकिंग इकोनॉमी और बिजनेसेस हैं, इनको बचाओ, ये टॉप प्रायोरिटी है। देखिए बिल्कुल, अमेरिका में तो जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे छापे जा रहा है और हर चीज़ खरीद रहा है, वो हर बॉन्ड खरीद रहा है, जंग बॉन्ड खरीद रहा है ताकि जो सेलर है उसको फ़ायदा हो, ताकि अवाम को फ़ायदा हो। कल फेड चेयरमैन ने कहा कि जो US गवर्नमेंट ने जो इंजेक्शन की है और जो प्रोग्राम किया है वो कम है और भी करना पड़ेगा। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत हाई था, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलरेडी बहुत लो था, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए, मगर थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि दूसरों की देखा देखी, हम कमज़ोर मुल्क हैं, हमने एक ऐसा इकदाम कर दिया कि हमारा, जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने बताया कि 12% फिस्कल डेफिसिट हो जाए और करेंसी बहुत ज़्यादा गिर जाए, ऐसा ना हो जाए। मगर मेरे ख्याल में मेरी फीलिंग है IMF बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, IMF बहुत ही रिलैक्स होगा और हमें इस बजट को में फोकस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर करना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो कि हम रिच या अल्ट्रा रिच को तो फैसिलिटेट कर दें और जो गरीब तबका है जहाँ से डिमांड जनरेट होती है उसको इग्नोर करें। तो मेरे ख्याल में गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए टैक्स की छूट देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी, जनाब एहसान मलिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, और प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अमजद, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती, पीर को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज नासिर। Hi, it's Sayyeda Ashnaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.